अस्सलाम वेलकम बैक टू रेमेडीज विद अनाया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके हाथों और पाओ की रंगत को फेर बनाने का एक बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला लेकर आई हूँ। इसके इस्तेमाल से आपके हाथों और पाओ की रंगत और तमाम डेड स्किन भी रिमूव हो जाएगी और आपकी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट और फेयर हो जाएगी, क्योंकि फेस के साथ साथ आपके हाथों और पैरों का खूबसूरत लगना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज है। जो नुस्खा हम बनाने जा रहे हैं, ये खास तौर पे खुश्क मौसम में और सर्दी में आपके हाथों और पाओ के लिए बेहद ही मुफीद साबित होगा और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें तमाम तर जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो आपको आपके घर ही में मिल जाएंगे, क्योंकि मेरे घर में तो ये तमाम तर चीजें जरूर मौजूद होती है। तो इसमें सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट जाएगा वो है जैतून का तेल। एक चम्मच हम डालेंगे जैतून का तेल, एक चम्मच डालेंगे जैतून का तेल। इसके बाद अगला इंग्रेडिएंट है हमारे पास कोकोनट ऑयल, ये भी आपको बाजार से आसानी मिल जाएगा। उसके बाद हम डालेंगे एक चम्मच आलमंड ऑयल यानी कि रोगने बादाम, एक चम्मच। नंबर फोर में हम डालेंगे अरके गुलाब, दो चम्मच अरके गुलाब के डालेंगे, दो चम्मच। अरके गुलाब दो चम्मच। सबको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्न फ्लोर, इससे ये हमारे ऑयल जो है वो थोड़े थिक हो जाएंगे, लोशन की शक्ल तैयार कर लेंगे और अच्छी तरह इसे मिक्स कर देंगे। और एंड पे डालेंगे हम एक चुटकी के बराबर मीठा सोडा। मीठा सोडा आपके डेड स्किन को नरम करके उतार फेंकेगा। इसके इस्तेमाल का तरीका कुछ यूं है, इसे आप अपने हाथों पे अप्लाई करें और हल्का हल्का मसाज करते जाएं। तकरीबन आपने इसे 15 मिनट तक ऐसे ही मसाज करते जाना है। मसाज करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी हाथों की रंगत निखर कर आपकी स्किन नरम मुलायम हो चुकी होगी और स्किन पर मौजूद खुश्की और तमाम तरह खराशें वगैरह भी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएंगी। इस अमल को कम से कम हफ्ता में 2 बार जरूर इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल करने से आपकी रंगत में इस कदर निखार पैदा होगा कि हर कोई आपसे आपकी खूबसूरती का राज पूछे बिना नहीं रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।